आज हमने बेसन से एक रेसिपी तैयार की है, गोदड़े जिसको बोला जाता है, और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। किस तरह तैयार की है, क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, आपको बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हौसला अफज़ाई हो, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मुझे वॉच टाइम मिल सके। मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ तावन करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करें, और नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आइए, इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है हम तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखुर्रम होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हमारे किचन में तैयार हो रही है, और ये है बेसन का सालन, जो कि मैं बनाऊंगी। किस तरह बनाऊंगी, आप इसको मेरी ज़ाती रेसिपी भी कह सकते हैं। वैसे बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ बनती भी है, लेकिन आज इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जो इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, जो मसाले, तो वो मेरे ज़ाती हैं, तो वो मेरी अपनी दरियाफ्त है या जो भी है, इजाद है आप कह सकते हैं। तो ये मेरी ज़ाती रेसिपी भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ तैयार होती है, लेकिन इस तरह के मसाले शायद नहीं डलते। तो प्लीज़ आपने साथ साथ रहना है। आप लोगों से एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, आप लोग मदद करें मेरे वॉच टाइम पूरा होने में। वीडियोस को एंड तक देखा करें, लाइक ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफज़ाई होती है। और कोई एक वीडियो दूसरी भी देख लिया करें मेरी, किसी मेरे चैनल पर जाकर मेरी कोई भी दूसरी वीडियो रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप हर बंदा एक दफ़ा देख ले, तो यकीनन मेरा वॉच टाइम जल्दी पूरा हो जाएगा। तो आप सब लोगों से इल्तमास है, मेरे साथ तावुन करें प्लीज़, और वीडियो को शेयर भी करें और एंड तक ज़रूर देखें। लाइक का बटन लाजमी दबाएं, प्यार प्यार कमेंट करें ताकि मेरी हौसला अफज़ाई हो, और नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। एक कप मैंने लिया है बेसन, और ये जो चीज़ डली हुई है ना, ये है लहसुन। ये 4 से 5 जबे लहसुन के मैंने लेकर उसको बारीक पीस लिया। याद रहे कि इसमें अदरक शामिल नहीं है, ठीक है जी। ये देखें, लहसुन ले लिया है 4 से 5 जबे, छीलकर पीसकर मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 कप बेसन में। अब मसाले जो हैं इसमें, उसमें ये है जी, एक बिल्कुल छोटी सी हरी मिर्च लेकर मैंने बहुत बारीक चॉप किया है। ये है पिसा हुआ ज़ीरा, जो 3 से 4 पिंच होगा, और ये अजवाइन है 1 पिंच तकरीबन, और यहाँ पर है पिसा हुआ गरम मसाला आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम, आधी चाय की चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर। ये आप अपनी मर्ज़ी से लें, वैसे इतना ठीक रहता है इसमें। 3 से 4 पिंच या आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम है ज़ीरा, 1 चाय की चम्मच आधी चाय की चम्मच ये कसूरी मेथी है, धनिया पाउडर है आधी चाय की चम्मच से कम, दड़ा मिर्च है ये भी आधी चाय की चम्मच से कम है, ठीक है। तो ये तमाम मसाले ना हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये लें, ये चले गए इसमें मसाले। तो यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे जी थोड़ा सा ऑयल, ठीक है जी, घी या ऑयल जो भी हो, हम इसमें 2 से 3 चम्मच शामिल करेंगे। इससे ये सॉफ्टनेस इसकी आ जाएगी, बहुत मुलायम हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा बहुत। और अब क्या करना है, अब हमने इसको बहुत ही टाइट किस्म का गूंदना है, ठीक है जी। इसको मिक्स कर लेते हैं, तकरीबन 2-3 चम्मच पानी डलेगा इसमें, ठीक है। हमने इसको बहुत टाइट करके गूंदना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। चम्मच के हिसाब से पानी डालें, ठीक है। पहले 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून पानी डाल के चेक करें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितने पानी की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी मैं इसमें शामिल करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी शामिल किया है, और ये देखें इस तरह बनना शुरू हो रहा है ये, और हम इसको बहुत ही टाइट सी डो तैयार करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे एक डो तैयार करने के बाद, और बताऊँगी कि आपको कि कितना पानी डला इसमें। ये देखिए जी, इस तरह की सख्त डो हमारे पास तैयार है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए कितनी सख्त है ये डो, और इसमें तकरीबन 7 से 8 चम्मच जो है ना वो पानी डला है, टेबलस्पून, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस तरह तोड़ना है इसको थोड़ा थोड़ा, आप चाहें तो हाथों पे घी भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। और इसकी लंबी लंबी सी ना हमने स्टिक्स बना लेनी है, ठीक है, लंबे लंबे से रोल बना लेने हैं, और डिपेंड करता है पतले या मोटे, जितने भी आप बनाना चाहें, ठीक है, इस तरह करके तो रखते जाएं। मैं आपको बता दूंगी कि
कितनी लंबाई में करने हैं तो ये मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरह करके मैं सारे रोल बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, ये देखें इस तरह मैंने इसके ये देखें लंबे लंबे से रोल बना लिए हैं, थोड़े पतले से, ठीक है। और इसके किनारे जो है ना वो आपने पतले नहीं रखने, वो भी इक्वल ही होने चाहिए, ठीक है। इस तरह कोई मसला नहीं है, बड़े छोटे ज़्यादा लंबे बन गए हैं, थोड़े कम बन गए हैं, अगर टूट भी गए हैं बीच में से तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रखा हुआ है घी गर्म होने के लिए, और ये मीडियम से कम है इसका फ्लेम, तो हम मीडियम से कम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। और आप चाहें तो आप इसको धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद आप इसको महफूज कर सकते हैं, जब दिल करे आप इसको निकाल कर पका सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डालने के कुछ देर तक आपने इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे इसका रंग चेंज हो हल्का सा, फिर आपने इस तरह ये देखें फिर आपने इसको छेड़ना है, और बस, ठीक है ना। बस अब ये टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो आपने मीडियम से कम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। तो आप इसको सुखा कर रख सकते हैं, 2 से 3 महीने तक आप इसको सुखा कर रख सकते हैं, ठीक है। जब आपका दिल करे आप निकाल कर इसको फ्राई कर लें। तो बिल्कुल लो फ्लेम है हमारा, अब मैंने मीडियम से बहुत कम कर दिया है ताकि ये अंदर तक अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाएं। तो जब तक ये फ्राई होते हैं मैं आपको बताती हूँ बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज और 2 अदद हरी मिर्चें, तो इनका हम बना लेते हैं पेस्ट, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ कुछ देर में। अच्छा जी, ये बेसन के जो रोल हैं इसको गोदड़े भी बोलते हैं, ठीक है। इसको गोदड़े बोलते हैं लेकिन वो थोड़े छोटे होते हैं, और गोदड़े जो बोलते हैं वो उसका वो छोटे बच्चों को बोलते हैं शायद, जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं गोद वाली छोटी छोटी सी, शायद उसको गोदड़े बोलते हैं। लेकिन जो इस तरह वो मेरी एक रेसिपी है मेरे चैनल पर बेसन का सालन गोदड़े, तो आप वहाँ मेरे चैनल पे जाके ये रेसिपी देख सकते हैं गोदड़ों वाली। लेकिन ये गोदड़ों से मुख्तलिफ हैं, ये मेरी अपनी रेसिपी है, तो ये इसको हम गोदड़े भी कहेंगे लेकिन थोड़े बड़े वाले गोदड़े, बड़ी गोद वाले गोदड़े। तो ये हम निकाल लेते हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत क्रिस्पी हुए हैं ये फ्राई ना, आप इनकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी हुए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें आपको पता चल गया होगा, ये देखें। तो हम ये सारी हमने फ्राई कर लिए हैं गोदड़े, बड़े वाले गोदड़े। तो अब हम ये जो ऑयल है हमारे पास इसको हम कम कर लेते हैं जितनी मिकदार हमें चाहिए, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, घी ले लिया है हमने जितना हमें चाहिए, तकरीबन 4-5 खाने के चम्मच हैं, और घी पहले से गर्म है, तो झटपट सा ये सालन हम तैयार करेंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट हम शामिल करते हैं, तकरीबन 1 से थोड़ा सा कम है ये खाने का चम्मच हमारे पास, यानी कि 1 चाय का चम्मच कह लें। तो ये हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखें, ये लहसुन की जो है ना वो रंगत बदल गई है लहसुन अदरक के पेस्ट की, तो ये देखें। और बस फिर हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च और प्याज का जो पेस्ट हमने बनाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये हमने डाल दिया तो पेस्ट, इसमें 1 हरी मिर्च ऐसी रह गई थी वो भी मैंने डाल दिया है। और इसको अब हल्का सा हम करेंगे फ्राई, प्याज की रंगत बदलने तक हम इसको ब्राउन करेंगे, तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे इसमें, पानी भी है क्योंकि प्याज का। अच्छा जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारी अच्छी सी ब्राउन हो गई है, ये देखें बहुत ही प्यारा सा कलर इसका हो गया है, गोल्डन गोल्डन सा। बस इससे ज़्यादा आपने नहीं करना वरना सालन का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम दही शामिल करते हैं, आप चाहें टमाटरों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं लेकिन मैं दही कर रही हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैं दही शामिल करूँगी, और चम्मच जो हैं वो ये वाले हैं जो सालन डालने वाले होते हैं वो वाले हैं, तकरीबन 100 ग्राम दही इसमें जाएगा, ठीक है। ये देखें, तो ये हमने शामिल किया, इसको मिक्स किया अच्छा सा। तो चलिए अब मसालों की तरफ आ जाते हैं। और एक बात की मैं वजाहत भी करना चाहूँगी आपसे कि इन गोदड़ों में जो हमने मसाले मैंने आपको बताए थे उसमें नमक शामिल नहीं था, जो कि मैं उस वक्त रखना भूल गई थी उस प्लेट में,
तो लेकिन मैंने बाद में इसमें आधा चाय का चम्मच जो है ना नमक शामिल कर दिया था, तो आपने नमक लाजमी शामिल कर लेना है, मेरी तरह भूल नहीं जाना आपने, ठीक है। तो नमक इसमें आधा चम्मच मैंने बाद में शामिल कर लिया था, और जो कि बाद में जो है मैं वीडियो नहीं बना सकी उसकी। तो अच्छा, अब जो मसाले हम इस मसाले में डालेंगे ना, तो उसमें है आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, एक चाय के चम्मच से थोड़ा कम है नमक, आप अपने हिसाब से डाल लें जितना आप पसंद करते हैं, तो बाद में भी डाला जा सकता है चेक करके। आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम है ज़ीरा, दो चुटकियां हैं कलौंजी, और एक चाय का चम्मच है लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से ले लें जितनी आप खाते हैं कम तेज़। और आधी चाय की चम्मच है कसूरी मेथी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है, ठीक है, सिर्फ टच होता है इसका। तो ये मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए चले गए इसमें। अच्छा जी, सॉरी जिन लोगों को नागवार गुजरता है, मेरा चम्मच देशकी पे चम्मच मारना या फिर कोई प्लेट वगैरह मारना, तो सॉरी उनके लिए, माजरत कर रही हूँ मैं। मुझे कहते हैं कि प्लीज़ आप चम्मच ना मारा करें सालन पे, ये हैंड फ्री लगाई होती है बहुत सारे लोगों ने, और हैंड फ्री से जब वो सुन रहे होते हैं तो वाकई बहुत नागवार गुजरता है उनको, तो उनसे मेरी माजरत है। तो मैं आइंदा एहतियात करूँगी, कोशिश करूँगी कि मेरी वजह से आपको तकलीफ़ ना हो। तो अब हमने मसाले को अच्छा सा भूनना है इसका ऑयल छटने तक। तो यहाँ पर जो हमारे पास है, आप चाहे तो इनको साबुत भी रख सकते हैं, चाहे तो इसका तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इसका दो दो टुकड़े कर लें, रफली तोड़ लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखें, बहुत ही आराम से टूटेंगे, ये देखें। तो इसको मैं दो दो टुकड़े कर रही हूँ इनमें से जो बड़े हैं, ठीक है जी, ये देखें। और बस अभी गर्म है, और इसी तरह भी खाएं ना अगर तो बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, यकीन करें ऐसे ही खाने में बहुत मज़े के लग रहे हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट सी रेसिपी है, और घर में अगर कुछ भी ना हो उस दिन, बेसन पड़ा हो तो आप आराम से घर में बना सकती हैं ये। और इसके अलावा सब्जी, दाल, गोश्त, चावल खा खा के थक जाएं और कुछ भी ना सूझ रहा हो कि आज क्या पकाएं, तो फिर ये उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। अक्सर घरों में बड़ी प्रॉब्लम होती है, आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, तो हमारे भी ऐसे ही होता है, समझ नहीं आ रही होती है क्या पकाएं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने चार्ट भी बनाया होता है, मेन्यू बनाया होता है कि हफ्ते में इस दिन ये बनेगा, इस दिन ये बनेगा, लेकिन फिर भी एक उकताहट होती है, उकता जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होता कि आज कुछ नहीं बनेगा, आज हम कुछ नहीं खाएंगे, ऐसा कोई दिन नहीं होता। तो इसको भून के अच्छी तरह फिर मैं मिलती हूँ। अच्छा जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला भून गया है, छूट गया है इसका, ठीक है। और अब हम इसमें हसब ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1.5 से 2 गिलास में इसमें पानी शामिल करूँगी, क्योंकि जितनी ग्रेवी हमें चाहिए वो तो आप अपनी मर्ज़ी से पानी लगाएं, लेकिन गोदड़े जो हैं वो पानी चूसते हैं, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगाना है, ठीक है। तकरीबन 2 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी इसमें डाला है, 2.5 नहीं है लेकिन। तो अब इसको बॉयल आता है, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। लें जी, बॉयल आना शुरू हो गया है इसमें, तो हम यहाँ पर शामिल करेंगे आधी चाय की चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, जो कि पहले भुना हुआ है फिर मैंने पिसा है उसको, और ये भुना हुआ और पिसा हुआ धनिया 1 चाय के चम्मच, ठीक है। ये हमने डाल दिया, इसको मिक्स किया, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मछली बन रही है, ठीक है, ये देखें। और अब यहाँ पर हम अपने गोदड़े जो हैं वो शामिल कर देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉयल आएगा तो हम फ्लेम को जो है वो लो करेंगे, ये देखें फ्लेम हमने यहाँ पर लो कर दिया, और ढक्कन ढक देते हैं इसको 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद आपसे मिलूँगी मैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, हमारा शोरबा जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है, ये देखें, ठीक है। तो ये सॉफ्ट होने हैं गोदड़े जो हैं। अब पिसा हुआ ज़ीरा गरम मसाला हम इसमें शामिल करेंगे आधी चाय की चम्मच, और इसको बस फ्लेम ऑफ करके इसको हम ढक देते हैं, और कुछ देर बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखिए, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसका ढक्कन मैंने उठाया है तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, घी इसने छोड़ दिया है, ये देखिए ऊपर घी आ चुका है इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो चलिए डिश आउट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, गरम गरम चपातियों के साथ आप खाएं इसको, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे सालन जो है बेसन का गोदड़े जो हैं वो तैयार हुए हैं, बड़े बड़े गोदड़े।
ठीक है, ये छोटे वाले गोदड़े नहीं है, बड़े बड़े वाले गोदड़े हैं, ठीक है। और ये देखें, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी थोड़े से गर्म हैं तो जी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं ये, अभी तो ये बहुत गर्म है तो मैं इनको हाथ नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ये देखें, और ये इसमें पड़े पड़े मज़ीद सॉफ़्ट हो जाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बताया करें। और मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ आप मदद करें मेरी और मेरा वॉच टाइम पूरा करने में हेल्प करें, तावुन करें मेरे साथ, वीडियो को शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।